नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 231 पीईटी को प्रमोशन का तोहफा, शिक्षा विभाग ने पदोन्नत कर डीपीई बनाया। मानव भारती विश्वविद्यालय के शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब, शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर को जारी किए निर्देश। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, कोविड-19 की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल, दूसरी का 35% टारगेट पूरा। बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स के साथ जनता का जताया आभार। HRTC पीसमील कर्मचारियों की समस्या जल्द होगी हल, परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर बोले, पीसमील कर्मचारियों के लिए नियम बना रही सरकार, कंडक्टरों की जल्द भर्ती के भी दिए संकेत। फोर लेन प्रभावितों की समस्याओं के समाधान को गठित की है उपसमिति, वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, राजनीति करना बंद करे कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कोविड में शिक्षकों के कार्य के लिए थपथपाई पीठ, शिक्षक पर्व पर बच्चों सहित शिक्षकों और अभिभावकों से लाइव जुड़े नरेंद्र मोदी। ज्यूरी के पास अवरुद्ध मार्ग छोटे वाहनों के लिए बहाल। सेना और पुलिस भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवाओं को रास नहीं आ रही खेल विभाग की समय सारणी को तुरंत रद्द करने की उठाई मांग। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार पीईटी को प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। 231 पीईटी को डीपीई के पदों पर प्रमोट किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। काफ़ी समय से पीईटी शिक्षक प्रमोशन की मांग कर रहे थे। गौर है कि प्रदेश के स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के करीब 1800 पदों पर रिक्तियां चल रही हैं, लेकिन अब इन स्कूलों में नए शारीरिक शिक्षक मिल पाएंगे। मानव भारती विश्वविद्यालय पर जांच में और सख्ती हो गई है। शिक्षा विभाग ने अब सभी डिप्टी डायरेक्टर को पत्र लिखकर उसमें शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब किया है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशकों को कहा है कि 3 दिनों के भीतर इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार कर निदेशालय भेजें। गौर हो कि मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ जिला सोलन के धर्मपुर पुलिस थाने में फर्जी डिग्रियों का केस दर्ज है। जांच में सामने आया कि यहां से कई लोगों ने फर्जी डिग्रियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कोविड-19 की पहली डोज लगाने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसके लिए उन्होंने कोरोना वॉरियर्स व प्रदेश की जनता का आभार जताया। उन्होंने यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कोविड की दूसरी डोज का 35% लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की दूसरी डोज को लेकर 30 नवम्बर तक लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने इसके बाद एम्स कोठीपुरा का दौरा किया तथा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इससे पहले बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर के बगड़ स्थित घर पहुंचकर उनके पिता के निधन पर शोक जताया। वो शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जताई। HRTC में कार्यरत पीसमील कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। सरकार HRTC में कार्यरत करीब 933 कर्मचारियों के लिए नियम बना रही है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंगलवार को ये जानकारी दी। परिवहन मंत्री ने बताया कि HRTC में पीसमील कर्मचारियों को बिना नियमों के भर्ती किया गया है, ऐसे में इनकी समस्याओं को सुलझाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार इनके लिए नियम बना रही है, इसके लिए वित्त एवं विधि विभाग से मामला टेकअप किया गया है। जल्द ही HRTC में कार्यरत पीसमील कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मंत्री ने संकेत दिए हैं कि HRTC में कंडक्टरों की भर्ती भी जल्द ही की जा सकती है। फोर लेन प्रभावितों की समस्याओं को लेकर उप समिति गठित की गई है। इसका उद्देश्य जिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है उन्हें न्याय दिलाना है, साथ ही लोगों को सही मुआवजा दिया जाए, यही इस उप समिति का उद्देश्य है। ये बात मंगलवार को वन मंत्री एवं उप समिति के सदस्य राकेश पठानिया ने कही। उन्होंने कहा कि फोर लेन प्रभावितों के मुआवजा वितरण में कई खामियाँ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पर राजनीति करना बंद करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट की गई थी, तब उस दौरान उन्होंने इसे ठीक क्यों नहीं किया। कोविड में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों की पीठ थपथपाई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व की शुरुआत करते हुए अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो योगदान दिया है वह अतुलनीय और सराहनीय है। छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शिक्षकों के सहयोग से ही सफल हो पाई है, ऐसे में शिक्षकों के बलिदान की तुलना नहीं की जा सकती। शिमला जिला के सभी स्कूलों में शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव सुना। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर ज्यूरी के पास सोमवार को अवरुद्ध हुए मार्ग को बहाल करने का काम मंगलवार को भी जारी रहा। इस बीच हालांकि पहाड़ी से तेज गति से पत्थरों के गिरने का क्रम जारी रहा, इसके बावजूद देर शाम तक मार्ग को छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। मार्ग के बहाल होने के बाद वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों ने भी राहत की सांस ली है।
शहर के इंदिरा गांधी खेल परिसर के स्टेडियम में खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेलों के लिए लागू की गई समय सारणी सेना और पुलिस भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवाओं को रास नहीं आ रही है। मंगलवार सुबह जिला मुख्यालय के MC पार्क में एकत्रित हुए युवाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए खेल विभाग के इस नए नियम के प्रति अपना रोष प्रकट किया। जिला मुख्यालय और आसपास के गांव से MC पार्क पहुंचे युवाओं का आरोप था कि खेल विभाग द्वारा जो नई समय सारणी जारी की गई है उसके तहत दौड़ की प्रैक्टिस करने वाले युवाओं का समय सुबह 8 से 10 बजे तक का निर्धारित किया गया है। भर्ती रैली में भाग लेने के इच्छुक अधिकतर युवाओं का कहना है कि सुबह 8 से 10 बजे तक उन्हें अपने शिक्षण संस्थानों में जाना पड़ता है। यदि वे सुबह 5 से लेकर 8 बजे के बीच मैदान पर प्रैक्टिस करना चाहें तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि खेल विभाग की इस नई समय सारणी को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए ताकि युवाओं को अपनी सुविधा अनुसार इंदिरा स्टेडियम में प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके।